भाती मारेंगे या हथौड़ा मारेंगे? क्या करने आए हैं? गाड़ी में बैठ जाएंगे। क्या करने आए हैं? साथ ही ये अपना मांग पूरी करने आए हैं, जैसे कि हम लोग का महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, बनाया गया। क्या क्या नहीं बन रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हम लोग का वही है। बताइए ना, क्या जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है? और यही सब कहाँ कहाँ बोलता है, हम नहीं जानते हैं सर। आप कहाँ से आए हैं? हम लोहरदगा से आए हुए हैं। क्या मांग है आपका? मेरा मांग है कि मेरा हम लोग का जो लोहार और लोहरा का जो खतियान है उसे सुधार के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कुछ मांग रखेंगे और आने वाले दिन के लिए सभी हम लोग जाति समाज का जाति प्रमाण पत्र बने और अनुसूचित जनजाति का लाभ मिले, जिसे हम लोग को आने वाले दिन में किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। और मैं लोहरदगा के निगनी पंचायत का अभी मुखिया वर्तमान में हूँ, जो अभी दबे कुचले के हिसाब से हम लोग को जाति पर कुछ निर्भर करते हैं, जो हम लोग को निर्भीन करते हैं, इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या सुधारना है, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या सुधारना है? सुधारना हम लोग का बुनियाद में जो लोहार है उसको लोहरा करना है, जो लोहार है उसको लोहरा करना है। इसी को लेकर मांग को लेकर एक मांग लेकर क्या वीरेंद्र लोहरा अपने अपने जगह कहाँ से आए हैं? अनगढ़ा प्रखंड है। प्रखंड क्या नाम है आपका? झलकू। क्या करने आए यहाँ? यहाँ का करने आएंगे हम लोग का लोहरा समाज को लोहार को लोहरा को लोहार कर रहे हैं। लोहरा को लोहार कर रहा है? हाँ। तो क्या इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत हो रहा है कि हम लोग का जाति सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है आदिवासी का। तो आप लोग अभी लोहरा में है कि लोहार में है? अभी लोहारे में है। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोहरा करना चाहते हैं। लोहरा में? तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, क्या क्या सामना अभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बताइए? इसमें मतलब हम लोग का स्कूल को पढ़ने के लिखने में दिक्कत हो रहा है, सर्टिफिकेट आदिवासी का नहीं बन रहा है। तो अभी आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो अभी क्या चीज़ का बन रहा है? अभी लोहार का करता है। और क्या समस्या हो रहा है? और क्या समस्या हो रहा है? और क्या समस्या? यही सब समस्या है। और हम लोग को बड़ा जात बनाते हैं, बड़ा जात बना के मतलब कि कोई नीचे का सामान नहीं मिलता है। अच्छा, आप लोग का भी बड़ा जात बना दिया है? हाँ। अब लोग तो बड़ा जात ठीक है बात, छोटा जात क्यों बनना चाहते हैं? छोटा जात इसलिए बनना चाहते हैं कि हम लोग को मतलब कि छोटा सुविधा मिलेगा, सुविधा मिलेगा। हेमंत सोरेन आ रहा है, क्या क्या मांग कीजिए? हेमंत सोरेन से क्या बोलेंगे, हम लोग को आदिवासी का थिंग करना चाहिए, आदिवासी में शामिल करना चाहिए, यही मांग है आप लोग का। हाँ। अगर नहीं शामिल करेंगे तो? नहीं शामिल करेंगे तो और क्या करेंगे, कैंसिल करना होगा कि जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। चुनाव ना दिखाइएगा कुछ। हाँ? तो चुनाव आ रहा है, फिर उसके बाद चुनाव आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, नहीं आदिवासी करेगा तो नहीं उसको अति करेंगे, और नहीं दीजिएगा। चलिए ठीक है, आप क्या करने कहाँ से आए हैं? नहीं बताइए आप लोग आप कहाँ से आए हैं बताइए। अनगढ़ा से आए। जितने भी रांची जिले के क्या मांग है? हमारा मांग है कि रोमांच के पास आने वाले हम लोग का नहीं बन रहा है। अच्छा, क्योंकि जाति सर्टिफिकेट हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग का बच्चा सब है पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहा है, खतियान में लोहार है और हम लोग का अभी पूर्वज मन के लोहरा इधर लिखा रहा है, तो कोई उसी की वजह से हम लोग का बच्चा सब है कि पढ़ने लिखने में आगे नहीं पा रहे हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हम लोग को सर्टिफिकेट हम लोग को दे, हम लोग को बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुने दो पहले अपना परिचय बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मानगढ़ा से आए हैं। हमारे बेड़वारी क्या नाम है? इंदर। क्या नाम है, क्या मांग कर ले रहे हैं? हम लोग का मांग है, हम लोग का दादा का जो जमीन ज्यादा है परखोती जमीन है यहाँ का, और हम लोग गाँव सेवा में है, हार फार कर बनाते बाड़ी सब करवाते हैं, हम लोग बनाने वाले थे, आजा दादा लोग बनाता था, हम लोग आदिवासी का दर्जा है और हम लोग का दर्जा वो मिल रहा है। दूसरी बात है, हम लोग भी पढ़ा लिखा लड़का लोग को पढ़ाया किसी तरह से, लोहा से काम धंधा करेंगे, तो उस टाइम हम लोग पढ़े पर हम लोग को कोई उसमें दिक्कत आ रहा, हम लोग को लोहरा को लोहार बना दिया, लोहरा को लोहार बना दिया, बना दिया का एक अक्षर जो है नहीं लिखा, हम लोग जो है बाहर से हम लोग को लोहार का दर्जा मिलता है,
गाँव में लोग मिल रहा नहीं झारखण्ड में, इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत पड़ रहा है। लोहरा में अभी जो है उसको जो सुविधा भी नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल रहा। और अभी जो बाहर से जो आदमी लोग आ रहा है तो लोहार बना के जमीन भी लुटा रहा है, उसको रोकथाम के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। जमीन भी जा रहा है, जो सुविधा है वो भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को धांधली कर रहे हैं, यहाँ दलाल वलाल सब भर गया है, जमीन में बहुत दलाली कर रहा है लोहार बोल के, हम लोग का बाहरी वाला बना के हम लोग जमीन नहीं लूट रहा है। और क्या बताए, लोहार में क्या क्या करता है? लोहार में एक ही काम करते हैं, लोहार में एक ही काम होता है, चलिए बहुत बढ़िया। हमको किनारे बैठाया जाता है, हमारे साथ में बच्चा लोग बहुत दिक्कत में है, लेकिन अधिकारी बनता है ना कहाँ से आए हैं? अनगढ़ प्रखंड से, मेरा नाम बुधराम लोहरा हुआ, मैं अनगढ़ प्रखंड से आया हूँ। और लोहरा समाज अस्तित्व बचाओ रैली में शामिल हुआ हूँ। क्या क्या मांग है वो बताइए। देखिए हम लोग का लड़ाई बस यही है कि हम लोग का बाल बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग का तो मतलब एज अभी खत्म हो गया है ना, लेकिन हम लोग का आने वाला समय में जो अनगढ़ प्रखंड या कोई भी प्रखंड से हम लोग का समाज को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, या हम लोग का खतियान में लोहार हो गया है, लिपिकीय त्रुटि के कारण लोहार हो गया है, और हम लोग मतलब लोहरा जाति के अंतर्गत आते हैं। पूर्व से ही हम लोग लोहरा थे और हैं और रहेंगे, यही मांग है आप लोग। अगर सरकार अभी आ रही है, क्या क्या और का मांग कीजिएगा? देखिए हम लोग का समाज बहुत पिछड़े हुए हैं, है ना। हम लोग को अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा होना चाहिए, बेहतर शिक्षा। और बहुत सा ऐसे मतलब त्रुटि है, उनका सुधार होना चाहिए। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ेपन है। देखिए हमारा क्षेत्र मतलब पहले से ही खान पान रहन सहन छुआछूत का भावना से हम लोग को प्रताड़ित किए जाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अभी भी छुआछूत है? अभी भी है, कौन लोग करते हैं? देखिए मंत्री जैसे हो गए, बड़े बड़े जाति लोग मातो हो गए, वो लोग पहले से भी छुआछूत मानते थे और अभी भी मानिए रहे हैं। छुआछूत मतलब कैसे, किस तरह का छुआछूत होता है ये, किस तरह से? देखिए वो लोग हम लोग का छुआ हुआ पानी को नहीं पीते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। और खाना पीना की रही बात, तो पानी तक नहीं पीते हैं तो खाने का सवाल ही नहीं है। खाना पीना और अलावा क्या क्या छुआछूत, और उसके अलावा बस यही सब छुआछूत। खान पान में भी छुआछूत का भावना से लोग देखते हैं, मतलब जो समाज में दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है जी। नहीं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, संरक्षक मंडली है, इन लोगों का भी मैं
आदिवासी लोहरा समाज, 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 आदिवासी लोहरा समाज। हम लोग अपना रुके 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 हम लोग बांडा प्रखंड से आए हैं। क्या मांग को लेकर आए हुए? हम लोग अपने हक और अधिकार को मांग के लेके आए हैं। हम लोग क्या हक क्या 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 है अधिकार? जाति प्रमाण पत्र मांगने के लिए आए हैं। आपको तो मिल नहीं रहा है? अभी नहीं मिल रहा है। क्या समस्या क्या हो रहा है? वही जाति के बारे में बहुत सीओ साहब एसडीओ रोक देता है। हम लोग तो फॉर्म भरते हैं लेकिन कैंसिल होकर चला जाता है। तो क्या कर पाता है? हम लोग आदिवासी है तो हम लोग जातिवासी क्यों नहीं बनता है? हम लोग पढ़ लिख के सब बेरोजगार हो जाते हैं। हम लोग पढ़ाई लिखा करके भी बेकार हो जाते हैं। आखिर हम लोग कब तक हम लोग ऐसे चलते रहे? तो पढ़ाने लिखाने में क्या समस्या होता है? अरे भाई हम लोग पढ़ लिख के अगर हम लोग नौकरी के लिए कहीं जाते हैं अप्लाई करते हैं तो जातिवासी की जरूरत पड़ती है। जब जातिवासी हम लोग बनाने जाते हैं तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। क्या समस्या? वही तो जानना चाह रहे हैं क्या समस्या होता है बनाने में। समस्या ये होती है कि एसडीओ सीओ रोक देता है हम लोग जाति बनाने में। खतियान में आप लोग का लोहार है और लोहरा का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाते? हम लोग उस जमाने से उस समय से लोहरा है, लोहरा रहेंगे, लोहरा है ही हम लोग, आदिवासी हैं हम लोग। तो आज सीएम आ रहे हैं, क्या मांग कीजिएगा? हम लोग सीएम से यही मांग करेंगे। वाह वाह हमारे झारखंड प्रदेश के जो हमारे मुखिया है वो आदिवासी है और आदिवासी का हमारे देश में लोहरा जनजाति के साथ जो समस्या है उससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी स्वयं अवगत है हमारे साथ कि हमारे जो आने वाले पीढ़ियों के साथ अभी भी परेशानी है। हमारे क्या क्या परेशानी? वही जानना। हमें परेशानी ये है कि हमें हमारा जो 1932 के जो आरएस खतियान है उसमें कौम लोहार अंकित होने के चलते हमारे जो जांच प्रतिवेदन लोग जो है वो आनाकानी करके हमें अपनी जाति का जो प्रमाण पत्र है वो हमें निर्गत करने में बहुत विलंब करते हैं। हमें सुलभता से पूर्ववत जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत हर प्रखंड से किया जा रहा था वैसे पूर्ववत ही किया जाए। हमें जनजाति के अंतर्गत हम वर्षों से हैं, हम शोषित पीड़ित भी हैं। हमें बहुत सामाजिक दूरियां बना करके रखा जाता था पहले, फिर भी हमें अभी जमीनी दस्तावेज में जो हमारी भूल नहीं है ये 1932 में ये है कि अंग्रेज के राज था उस समय जो सर्वे हुआ उस जमीनी दस्तावेज में हमारा लोहार लिखा हुआ है। इसके कारण हमारे जमीनी दस्तावेज के अनुशंसा पर हमें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का जो आदेश पारित है उसमें हमें कहीं देता है कहीं नहीं देता है। अभी बताइए, अभी सरकार हेमंत सोरेन आएंगे तो क्या क्या मांग कीजिएगा ये बताइए? हेमंत सोरेन सरकार से हमें यही मांग है कि हमारा 8 सूत्रीय मांग के लिए हमें आज ये रैली आयोजन किए हैं जिसमें टीएससी झारखंड सरकार का उतना लंबा नहीं शॉर्ट बताइए क्या क्या मांग है जो है जो 355 धारा के आधार पर हमें पत्रांक 355 जो कार्मिक विभाग के द्वारा जो चिट्ठी ये निर्गत किया गया है उसके आधार पर जो हमें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का जो आदेश दिया गया है फिर भी सरकार के आदेश के अनुसार बावजूद भी हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। हमारे युवाओं के साथ शिक्षा में दिक्कत हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ शैक्षणिक कार्य में परेशानी हो रहा है। हम भी तो झारखंड बताइए क्या? मेरा शुभ नाम हो गया मुन्ना लोहरा और मैं झारखंड प्रदेश का ही हूँ। हम अनुसूचित लोहरा जाति के सदस्य हूँ। हमारे साथ जो समस्याएं झारखंड में है कि हमें अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा जाए क्योंकि हमारा जो अधिकार है हक अधिकार जो है वो हमारा जो वंचित हो रहा है दिनों दिन उसे हमें संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है, रखना बचा करके रखना अपनी संस्कृति है। सभी आदिवासियों की तरह हमारा भी संस्कृति कला सब आदिवासियों की तरह है।
में सात लोग यहाँ उपस्थित है आज लोहरा कर रहे हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंभु करमाले, मैं बंदूर पंचायत से आया हूँ। क्या मांग है? मांग क्या है? मांग है अपना अस्तित्व बचाओ रैली ये है, अपना हक अधिकार को मांगने आए हैं, अपना हमारे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पाता है, इसके कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है नौकरी में पेशा में जाने के लिए, हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है, और उसके चलते मैं वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, मांग करता हूँ कि हमारे बच्चों का उज्ज्वल भविष्य को अंधकार में ना ढकेले, हमको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं उनका मांग करता हूँ कि हमें आरक्षण दें। मैं एक आदिवासी हूँ और आदिवासी के साथ साथ मैं एक झारखंड का नागरिक हूँ। कहाँ जाए आप लोग? हम लोग का खतियान में गड़बड़ है, इसलिए बच्चों को जाति नहीं बनता है, जाति नहीं बनने के चक्कर बच्चे को हमारे नौकरी भी नहीं मिलती है, इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करेंगे आज कि हमारा खतियान को सुधारा जाए, उसके बाद खतियान को सुधारेंगे और उससे बच्चों का जाति बनेगा, बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सिर्फ जाति नहीं है उसके चलते बच्चों को पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है और बच्चे को नौकरी उकरी में दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होती है नौकरी बच्चों को और पढ़ाई में भी बच्चों को मन नहीं लगता है। अभी मेन है कि हम लोग का जातिवासी बनाने में दिक्कत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो क्या जाते ब्लॉक का क्या बात होता है वहाँ, क्या क्या बोलता है? वहाँ बोलता है कि लोहार है आप लोग का खतियान में लोहरा नहीं है, तो ही हम लोग मांग करते हैं कि पहले से लोहरा था, बीच में लोहार किया गया है, तो अभी लोहरा किया जाएगा तो बच्चों का जाति बन पाएगा और हमारे बच्चे पढ़ेंगे जॉब करेंगे बढ़िया से, यही हमारी मांग है। कहाँ से, कहाँ के आए हैं? यहाँ के प्रखंड खोंदूर पंचायत, हम वहाँ का पंचायत समिति सदस्य भी है। उनका भी हम स्वागत करते हैं यहाँ हम सब बीच नाम पर बोल करके।